एक गरीब शख्स की बीवी ने अपने शोहर से कहा, आटा खत्म हो गया है। शोहर ने कहा, तुम्हारे पास कुछ है? बीवी ने कहा, 50 रुपए हैं। शोहर ने कहा, वो 50 रुपए मुझे दे दो और एक थैला भी दे दो। शोहर 50 रुपए और थैला लेकर बाजार में खाना खरीदने पहुंचा, तो वहाँ एक साइल आ गया और कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, मुझे सदका दो। वो शख्स वहाँ से दूसरी दुकान पर चल पड़ा। साइल उसके पीछे पीछे वहाँ भी आ गया और कहा, ए अल्लाह के बंदे, मुझे सदका दो। जब उसने मजबूर किया, उस शख्स ने 50 रुपए उसे दे दिए और अपनी थैली को लकड़ी के बुरादे और मिट्टी से भर लिया। घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया तो दिल घबराया हुआ था कि बीवी को क्या जवाब दूंगा। दरवाजा खुलने पर शोहर ने थैला घर में रखा और चुपचाप वहां से चल दिया। पीछे बीवी ने थैला खोला तो उसमें उम्दा सफेद आटा मौजूद था। बीवी ने आटा गूंथ कर उसकी रोटी बना ली। जब रात का कुछ हिस्सा गुजरने पर शोहर घर आया तो बीवी ने उसके सामने उम्दा सफेद रोटियां रख दी। शोहर ने पूछा, रोटी कहाँ से बनाई? बीवी ने कहा, उस आटे से जो आप लाए थे। ये सुनकर शोहर खाना खाने लगा, मगर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि उसके रब के कितने एहसान हैं कि हम उसकी राह में कुछ खर्च करें तो वो हमें कितनी जल्दी और कितना उम्दा और कितना ज्यादा करके लौटाता है। हदीसे पाक का इरशाद है, सदका करके अपने और अपने रब के दरमियान ताल्लुक पैदा करो। तुम्हें रिस्क दिया जाएगा, तुम्हारी मदद भी की जाएगी और तुम्हारे नुकसान की तलाफी भी की जाएगी। अल्लाह पाक हमें उसकी राह में सदका करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। एक गरीब शख्स की बीवी ने अपने शोहर से कहा, आटा खत्म हो गया है। शोहर ने कहा, तुम्हारे पास कुछ है? बीवी ने कहा, 50 रुपए हैं। शोहर ने कहा, वो 50 रुपए मुझे दे दो और एक थैला भी दे दो। शोहर 50 रुपए और थैला लेकर बाजार में खाना खरीदने पहुंचा, तो वहाँ एक साइल आ गया और कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, मुझे सदका दो। वो शख्स वहाँ से दूसरी दुकान पर चल पड़ा। साइल उसके पीछे पीछे वहाँ भी आ गया और कहा, ए अल्लाह के बंदे, मुझे सदका दो। जब उसने मजबूर किया, उस शख्स ने 50 रुपए उसे दे दिए और अपनी थैली को लकड़ी के बुरादे और मिट्टी से भर लिया। घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया तो दिल घबराया हुआ था कि बीवी को क्या जवाब दूंगा। दरवाजा खुलने पर शोहर ने थैला घर में रखा और चुपचाप वहां से चल दिया। पीछे बीवी ने थैला खोला तो उसमें उम्दा सफेद आटा मौजूद था। बीवी ने आटा गूंथ कर उसकी रोटी बना ली। जब रात का कुछ हिस्सा गुजरने पर शोहर घर आया तो बीवी ने उसके सामने उम्दा सफेद रोटियां रख दी। शोहर ने पूछा, रोटी कहाँ से बनाई? बीवी ने कहा, उस आटे से जो आप लाए थे। ये सुनकर शोहर खाना खाने लगा, मगर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि उसके रब के कितने एहसान हैं कि हम उसकी राह में कुछ खर्च करें तो वो हमें कितनी जल्दी और कितना उम्दा और कितना ज्यादा करके लौटाता है। हदीसे पाक का इरशाद है, सदका करके अपने और अपने रब के दरमियान ताल्लुक पैदा करो। तुम्हें रिस्क दिया जाएगा, तुम्हारी मदद भी की जाएगी और तुम्हारे नुकसान की तलाफी भी की जाएगी। अल्लाह पाक हमें उसकी राह में सदका करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।